यहाँ पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही के द्वारा दासीपुर के पास पंडा नदी के पुल का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत लगभग 7 करोड़ रुपए से पुल का निर्माण किया जाना है। श्री शाही के द्वारा इसके बाद बलीगढ़ पंचायत भवन का एवं दुर्गा मंडप का भी शिलान्यास किया गया। पंडा नदी में पुल बन जाने से अगल बगल के लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस अवसर पर केतार बाजार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाही ने कहा कि हमको लोग साजिश के तहत फंसाने का काम कर रहे हैं। पारा शिक्षकों के बारे में कहा कि इनकी मांग वे विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे। मौके पर मोर्चा के महासचिव अनिल चौबे, नस्मो के कार्यकारिणी दयानंद भगत, विधायक प्रतिनिधि विक्रम सिंह, जिला पार्षद ज्वाला प्रसाद, मनोज फौजी आदि लोग मौजूद थे। पंचायत भवन तक केतार बाजार एक हो जाएगा, सबसे बड़ा विकास अगर होगा तो हमारा केतार बाजार का विकास। मैं पूरा हरंभी को जोड़ेगा, बल्कि भवनाथपुर इलाका के भी कुछ पार्ट को हम लोग जोड़ने का काम इस पुल के माध्यम से करेंगे। यह पुल बनेगा, बच्चों को स्कूल जाने में जो दिक्कत होती थी वह परेशानी खत्म होगा। ब्लॉक बना हुआ है, घूम करके आना पड़ता, आप तुरंत ब्लॉक नाश्ता करके आइएगा और खाना खाते तक अपना घरे चले जाइए पैदल। यह तमाम विकास इस पुल से होगा और यह पुल मैं समझता हूं विकास के मील का पत्थर केतार के लिए साबित हो, सब लोगों के लिए। आप देखिएगा, अभी मैं आ रहा था, हम लोगों का जो हरिजन टोला लोग बोलते हैं उसका तो सबसे पहले आप लोग नाम बदलवाइए, नाम उसको बदलवाइए जितना जल्दी हो। हरिजन टोला खत्म करके अंबेडकर टोला, कम से कम हमारा हरिजन टोला जो केतार है उसको अंबेडकर टोला किया जाए, या मैं पूरे वहां टोला के लोगों से मांग करता हूं। और जब यह बाजार बनेगा तब आप देखिएगा, जब पुल बनेगा बाजार बनेगा, दासीपुर बलीगढ़ जब सट जाएगा, मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं, जब इसी बाजार में नीरज कमलापुरी जी जिंदा है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इसी जगह पर जीप के बोनट पर खड़ा होकर के मैं बोला था कि केतार को प्रखंड बनना चाहिए, लोगों ने मेरा विरोध किया था। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।